नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। इस वक्त मैं गोरखपुर में हूं, साहित्य साधना और क्रांतिकारियों की धरती। लेकिन चूंकि मौसम चुनावी है, इसलिए बुलेटिन में बात सियासी खबरों की होगी। दरअसल कोई एक दूसरे को डिजिटल पर भारी बता रहा है, कोई कह रहा है कि छोटे दलों का डिजिटल के तौर पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। कोई ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में चुनाव पर हम तैयार हैं, कोई पोस्टर वॉर कर रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार चुनावी जो तैयारियां हैं, चुनावी तैयारियों में पार्टियां लगी हुई हैं और अपने बयानों से भी बम फोड़ रही हैं। इन तमाम अहम खबरों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो आजकल सियासी पोस्टर मार्केट में चल रहा है, उसके मायने क्या हैं और आखिर छोटे दल क्यों नाराज हो गए चुनाव आयोग से। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन शुरुआत में आपको बता दें, मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। प्रिया सिंह सोमनसी इस वक्त वाराणसी से जुड़ गई हैं, वाराणसी का रुख करेंगे, उनके पास तमाम अपडेट है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही मेरे सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त जुड़ गए, उनसे भी तमाम खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, और मैं यूपी में हूं। बड़ी खबर यह है कि पोस्टर वॉर चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग पोस्टर जारी किया है और पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हम सियासी रण में पूरी तरीके से तैयार हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने नारा लगाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए गए। बीजेपी ने सीएम योगी की फोटो के साथ लिखा, फिर आ रहे हैं भगवाधारी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मायावती की फोटो के साथ लिखा गया, 10 मार्च सब साफ। तो कांग्रेस लिखा, करुणा का होगा संचार, अब होगी नफरत की हार। तो ये जो अलग अलग पार्टियां हैं, ये अलग अलग दावे कर रही हैं। इनका अलग अलग दावों को लेकर के क्या कुछ हकीकत है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, अभिषेक दुबे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है, क्योंकि सियासत में लगातार उफान पर है, मौसम ठंडा है लेकिन मौसम चुनावी है, और इस चुनावी मौसम में राजनीतिक दल ताल ठोके हुए हैं क्योंकि जीत उनको हर हाल में दर्ज करें। प्रिया सोमनसी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए वाराणसी से। प्रिया, पोस्टर वॉर चल रहा है, पहले से चलता आ रहा है, लेकिन कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो एक नया नए पोस्टर आ रहे हैं और सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रिया सोमनसी, अगर आपको आवाज मिल पा रही, तो मेरा सवाल यह है कि पोस्टर वॉर तो चल ही रहा था, लेकिन अब पोस्टर वॉर फिर से शुरू हो गया और इससे यह साफ हो गया कि अब डिजिटल तौर पर ही लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसकी शुरुआत पोस्टर से हुई है। चले, शिवम भी हमारे साथ लगातार बने हुए, अभिषेक भी लगातार बने हुए, शिवम का रुख करते हैं। शिवम, ये साफ हो गया है कि अब जो लड़ाई है वो डिजिटल तौर पर होगी और पोस्टर वॉर से भी ये साफ हो गया है? आप बिल्कुल अंजीत, देखिए बात यह है कि कोविड को लेकर प्रोटोकॉल ऐसे बनाए गए हैं, गाइडलाइंस ऐसी बनाई गई हैं, अब सिर्फ आप डिजिटली और वर्चुअली अपने वोटर से, अपने कार्यकर्ता से कांटेक्ट कर सकते हैं। यही एक वजह है कि पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। वैसे आम तौर पर भी जब चुनाव होते हैं, विधानसभा या लोकसभा चुनाव, उसके बाद पोस्टर लॉन्च किए जाते हैं। समय ऐसा आ चुका है कि डिजिटली हर आदमी कनेक्टेड है, गाँव से लेकर शहरों तक अब लोग फोन, मोबाइल, लैपटॉप के जरिए कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखते रहते हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पर होता है। 2014 लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी इस चीज में बहुत आगे रही है और यही एक वजह है कि इस वक्त भी वो खुद को आगे पाते हैं। पोस्टर वॉर की बात करें तो अब वो समय आ चुका है, एक महीने से कम का टाइम बाकी है और कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को लगता है कि चुनाव में चाहे जो हो, लेकिन शुरुआत में जो मैसेज देने की बात है, संदेश देने की बात है, वो पोस्टर्स के जरिए अपने अपने नेताओं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी साफ तौर पर सीएम योगी, पीएम मोदी के पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं चुनावी मोड में है। तो अखिलेश यादव बदलाव की लहर के साथ फ्रंट पेज पर छाए हुए हैं। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस को लगता है कि वो अगर उनका चेहरे को आगे बढ़ाएंगे और उनको पोस्टर में जगह देंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। क्योंकि समय ऐसा है कि सभी पार्टियों को लगता है कि अगर हम वोटर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, जनसभा, रैली, रोड शो नहीं कर पा रहे, तो मैसेज के जरिए, स्पीच के जरिए और इन पोस्टर्स के जरिए हम उनसे कनेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, हर टीम का जो हर पार्टी है उसकी आईटी सेल है, आईटी सेल के अध्यक्ष। चलिए शिवम बन रहे, लौट रहा वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अलग अलग पार्टियों ने अपने दावे भी तेज कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी ही सरकार बनेगी। आपको बता दें, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, पूर्व मुख्यमंत्री
मायावती हो या फिर कांग्रेस हो, सब ने यह दावा किया है। योगी बोले 10 मार्च को फिर जनता करेगी राजतिलक। अखिलेश ने दावा किया 10 मार्च को बीजेपी होगी साफ। कांग्रेस और मायावती ने भी अपनी अपनी जीत का दावा किया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सारी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए दावे कर रही हैं और सीधे सीधे ये कह रही हैं कि 10 तारीख यानी 10 मार्च चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा, उस दिन उनकी सरकार बन जाएगी। हालांकि ये क्या गणित है राजनीतिक दलों का ये पता नहीं, लेकिन सारे दल ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। चार जो दल हैं वो दावा कर रहे हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसलिए व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, हर वर्ग के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इन्हीं तारीखों का जनता इंतजार कर रही थी, ये तारीख आ गई हैं। 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। अभिषेक दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, बड़ी बात यह कि चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सब ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है इससे एक मैसेज देने में कामयाब हो पाएंगे कि हम लड़ाई में हैं? बिल्कुल, देखिए अंजीत, आप भी जानते हैं, आप भी चुनाव कवर करते हैं, ये एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का एक तरीका है। हर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर 4 सीट से भी लड़ेगी तो वो कहेगी कि हम चारों सीटों पर जीत कर आएंगे, हम बड़ी पार्टी को टक्कर दे रहे हैं, ये हर कोई कहेगा। तो कांग्रेस अपने लेवल पर, क्योंकि कांग्रेस को आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो लगातार ये बात कह ही रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, 10 तारीख को 10 मार्च को फैसला आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले से ही सरकार में है तो वो तो लगातार दावा करेगी कि हम इस बार फिर से सरकार में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जनता को भी पता है और राजनीतिक पार्टियों को भी पता है और कार्यकर्ताओं को पता है कि ये एक बूस्ट करने वाली बात है, एनर्जी देने वाली बात है। और हर मुखिया अपनी पार्टी का ये बात कहता ही कहता है कि इस बार हम टक्कर दे रहे हैं, इस बार हम अच्छा करेंगे, इस बार हम ज्यादा आगे जाएंगे, इससे पहले भी पिछले। अभिषेक, एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी सुनिए और दर्शकों को भी बताते, फिर इस पर चर्चा करेंगे। और बड़ी खबर ये है कि बीजेपी नेता शिवप्रसाद यादव ने एक दावा किया है। बड़ी खबर ये कि बीजेपी नेता शिवप्रसाद यादव ने कहा कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आए थे और उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े। इससे आगे की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें इजाजत दे दे तो अखिलेश यादव के खिलाफ वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए, ये दावा है शिवप्रसाद यादव का। वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ें, पार्टी आदेश दे तो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस सीट से अखिलेश लड़ेंगे वही सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि अखिलेश चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये बाद में तय होगा, लेकिन बीजेपी नेता शिवप्रसाद यादव ने अपना दावा ठोक दिया है। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ें। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि जहां से भी वो अखिलेश यादव चुनाव लड़े। सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी पिछले 4-5 दिन से भगवान श्री कृष्ण के सपने को सुना रहे हैं कि हमारी सपा की सरकार आ रही है, और अभी उन्होंने ये कहा कि जहां जहां से श्री मुलायम सिंह जी इलेक्शन लड़े हैं वहाँ वहाँ की किसी भी सीट से हम चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण ने सपने में हमको प्रेरित किया, सपने में नहीं, जागृत अवस्था में प्रेरित किया है कि तुम उठो, तुम सक्षम हो। जब 2007 में भरतना विधानसभा से अखिलेश जी के पिताजी को पूरे दिन भर चुनाव हरा सकते हो और बिल्कुल मुख्यमंत्री होते हुए नॉर्मल वोटों से वे चुनाव अपने डीएम बल पर जीते हैं, तो तुम सक्षम हो, तुम इस कमान को संभाल सकते। और इस वक्त आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दूं, अखिलेश पर और ज्यादा हमलावर हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। अखिलेश को मुस्लिम विरोधी बताने पर तो
तुले हैं असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम वोट के बहाने अखिलेश पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। ट्रिपल तलाक पर अखिलेश पतली गली से निकल गए, ये कहा मुलायम ने। मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव नजदीक आते आते, क्योंकि अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में वार पलटवार का जो दौर है वो और ज्यादा तीखा होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश पर अब और भी ज्यादा हमलावर होते हुए असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से नजर आ रहे हैं और अखिलेश को मुस्लिम विरोधी बताने पर तुले। और ये पहला मौका नहीं है, पहले भी यही कहा गया कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। कानून बन रहा ट्रिपल तलाक का, बोले कि मैं तो वो रोड बनाया, कानून पे नहीं बात किए, पतली गली से निकल गए बच के। मोदी को नाराज नहीं करना है क्या? 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले जनाब मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। तो देखिए बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो जब भी संबोधित करते हैं तो उनके संबोधन में हमेशा एक वोट बैंक की राजनीति जरूर नजर आती है, लेकिन अखिलेश यादव पर कैसे हमलावर वो पहले भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर ये भी होता है कि सेंधमारी मुस्लिम वोट बैंक पर ना हो। अंजीत का मैं रुक कर लेती हूँ, ग्राउंड जीरो से मेरे साथ बने हुए हैं। अंजीत, पहले भी असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का जिक्र करते हुए अखिलेश पर अग्रेसिव नजर आए हैं, हमलावर नजर आए हैं, और एक बार फिर से यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि डर यह भी है कि सेंधमारी उस मुस्लिम वोट बैंक में अखिलेश यादव ना कर ले। देखिए लबीना, ये बिल्कुल सही बात है, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा ही करते रहे और आने वाले वक्त में असदुद्दीन ऐसा और ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो पैटर्न देखा गया है पिछले दिनों वो इसी पैटर्न पर वो बात करते हैं। अब आप सोचिए कि वो अखिलेश यादव की सभाओं में मुस्लिम कहां बैठते हैं, इसका भी अंदाजा लगा लेते हैं और वक्त वक्त पर इसकी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अखिलेश और जयंत चौधरी की सभाओं में मुस्लिमों को पीछे बैठाया जाता है, तो उनके टारगेट पर अखिलेश यादव ही रहने वाले हैं, बीजेपी रहने वाली है। लेकिन अखिलेश के सामने दिक्कत यह है कि देखिए बीजेपी तो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खुल के बोलती है, वो बात करती है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ समस्या यह है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। अगर वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी उसी बात को उल्टा करके उन पर वार करना शुरू कर देंगे, तो ये अखिलेश यादव के सामने मुश्किल है। और आने वाले वक्त में आखिर अखिलेश यादव को तय करना है कि आखिर क्या उनकी रणनीति होगी। हालांकि उनके जो तमाम प्रवक्ता हैं, उनके जो डिजिटल विंग के लोग हैं, जब कल उनकी बैठक हुई थी तो उन्होंने साफ साफ अपने प्रवक्ताओं को यह आदेश दिया। अंजीत, अंजीत इस पर मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर आप जान लीजिए, तेलंगाना में हेमंता बिस्वा शर्मा की ललकार देखने को मिली है। हैदराबाद में निजाम का नामो निशान मिट जाएगा ये कहा गया है, ओवैसी का नामो निशान मिट जाएगा ये कहा गया है, ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हम देख ही रहे थे, लेकिन अब देखिए यहां पर भी अब देश को बर्दाश्त नहीं है, धर्म निरपेक्षता ये कहा गया है और ये कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी का नामो निशान मिटने वाला है, हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है। जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओएसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, किसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुधु सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनियल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। और चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हेमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक वोट बैंक की राजनीति, धर्म निरपेक्षता जो बार बार देखने को मिल रही है, अब देश इसको नहीं चाहता है, नामो निशान मिट जाएगा असदुद्दीन ओवैसी का। अभिषेक, अब बिल्कुल बिल्कुल देखिये हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके की बात कह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी हमेशा एक धर्म की एक जगह की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उन्होंने राजनीति करनी शुरू की है वो हम और आप देख रहे हैं। बंगाल में भी वो उसी तरीके की राजनीति करते हुए नजर आए थे और बंगाल में उनको क्या मिला वो उनको दिख गया है। तो बंगाल अपना एक तरीके से भूत देखकर वर्तमान और भविष्य तय करना चाहिए, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम अगर उत्तर प्रदेश में पहुँच रहे हैं, यहाँ तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, उत्तर प्रदेश वेस्ट की अगर मैं बात करूँ जिसमें अलीगढ़, मेरठ हो गया, ये जो तमाम इलाके हैं जहाँ पर ये दावा करते हैं कि अलीगढ़ और मेरठ के जो मुसलमान हैं वो ओवैसी के साथ हैं, उनके रैलियों में भीड़ आती है,
लोग कह रहे हैं कि ओवैसी की यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है, ओवैसी को यहाँ पर कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है। जो मुख्य पार्टियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी है और उसके बाद समाजवादी पार्टी है। अभिषेक, अभिषेक आपके पास लौट रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को बताते हैं। बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने बड़ा दावा ठोक दिया है। संजय निषाद ने यूपी में बीजेपी से 25 सीटों की मांग की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 25 सीटों की मांग करेगी निषाद पार्टी। एक दो सीटों पर ऊंच नीच हो सकता है, यह कहा संजय निषाद ने। कुछ सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं हमारे लोग, लेकिन 25 सीटों की मांग करेगी निषाद पार्टी। अभिषेक दुबे मेरे साथ लगातार बने हुए इस वक्त दिल्ली से। अभिषेक, 25 सीट आपको लगता है ये संभव है? आपसे जवाब लूं उससे पहले संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, क्या दावा किया, वो सुनवाते हैं पहले। हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उनसे बात करते हैं। संजय जी, चूंकि ऐलान भी हो गया है, बीजेपी आपको कितनी सीटें दे रही हैं, कुछ बातचीत हुई? क्योंकि अब तो समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। बीजेपी को अभी एक हफ्ते पहले मैंने उन्हें सीट मांगी गई थी कि कौन कौन सी सीट आपने तैयार किया, उसमें अपनी 25 सीटें हमने दी हैं, मतलब 2 दर्जन सीटें। कहाँ हमारे लोग तैयारी किए हुए हैं, हमारे लोग पहले से कम 7 साल से लगे हुए हैं, तो ऐसी सभी सीटों की लिस्ट दे दी है और जल्दी से उस पर घोषणा भी हो जाएगी आधिकारिक रूप से, और 2-3 दिन के अंदर, कल आज कल परसों 3 दिन के अंदर बैठक हो सकती है। कभी बैठक हो के इस पर फाइनल हो सकता है कि हम कहाँ हम लड़ेंगे, कहाँ बाकी जगह 403 पर हम लोग उनकी मदद करेंगे। अच्छा, चूंकि आप 25 सीटों की बात कर रहे हैं, तो क्या 25 सीटों को लेकर सहमति बन जाएगी या कुछ उससे कम निगोशिएशन होगा? आप कितने पर तैयार होंगे, क्योंकि आपने भी तो कोई एक माइंड मेकअप किया होगा? देखिए, वो पहले से तय हो चुका है, जहाँ हमारे प्रमुख लोग हैं वो लड़ेंगे और निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, और जहाँ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो बहुत सीटों का कोई बहुत लफड़ा नहीं है, निश्चित रूप से 2-4 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, उसमें बहुत रिजिडता नहीं है, हो जाएगा। और हम लोग मिलकर NDA की सरकार 2022 में जितनी सीटें लक्ष्य निर्धारित की उसे अधिक जीत कर दिखाएंगे। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि अभी आपने कहा कि 4 सीटें इधर उधर हो सकती है, तो मतलब 20 सीटों से नीचे नहीं मानेंगे आप लोग, ये बिल्कुल तय हो गया? नहीं, मैंने कहा नहीं, ये कोई रिजिडता नहीं है, आपने बताया कि 2-4 सीटें, 2-4-5 सीटें इधर उधर हो सकती है, उसमें कोई रिजिडता नहीं है। अच्छा, क्या ये भी हो सकता है कि जैसे प्रत्याशी आपके हों और सिंबल पर भाजपा के चुनाव लड़े, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कभी कहीं पर? नहीं, कुछ सीटों पर जहाँ अड़चन आएगी, कहीं ऐसे दिक्कत आएंगी जहाँ वोट ट्रांसफर नहीं होने की उम्मीद है, वो तो 1-2-4 सीटें ऐसी हो सकती है, लेकिन हम भोजन भरी थाली पर निषाद पार्टी सभी सीटों पर चुनाव। और अभिषेक